हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्विंग ट्रेड। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे Naukri.com के बारे में। फ्रेंड्स, ये वीडियो में एनालिसिस करने से पहले आप सबको मैं जरूर रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप इस चैनल पर नया है तो चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके साथ में आपका पोर्टफोलियो में अगर कोई स्टॉक है तो आपको वो स्टॉक में करेक्शन चल रहा है, इसके लिए अगर आपको उसका एनालिसिस देखना चाहते हैं तो यहाँ पर वीडियो पर जरूर देख सकते हैं, जो कि काफ़ी सारे स्टॉक का हमने एनालिसिस किया हुआ है। तो यहाँ से आप जरूर आपको एक बढ़िया सा नॉलेज मिल जाएगा, आपको कौन से टारगेट तक लेके चल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अभी चलिए वीडियो में शुरू करते हैं। अगर इंफोस कंपनी के बारे में बात करेंगे, इनका जो बिजनेस यहाँ पे है, देखिए जो कि मेन बिजनेस है Naukri.com है, जहाँ पे 70% रेवेन्यू आता है Naukri.com से। यहाँ पे और एक यहाँ पे अगर जाएंगे एजुकेशनल फील्ड में, यहाँ पे शिक्षा है, और यहाँ पे मैट्रिमोनियल में यहाँ पे जीवन साथी है, और अगर देखेंगे रियल इस्टेट बिजनेस में यहाँ पे 99 एकर है, तो यहाँ पे फास्ट नौकरी है, तो ये सारे बिजनेस है। तो अगर हम यहाँ पे आएंगे तो इनका इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पे पॉलिसी बाजार में इन्वेस्टमेंट है, यहाँ पे मेरिट नेशन में है, जोमाटो, यहाँ पे हैप्पी अनमेरिड, हैप्पीली अनमेरिड, ये सारे सारे साइड में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट इनका किया हुआ है ये सारे कंपनी में। अगर इस कंपनी का अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे कंपनी जो है कि लार्ज कैप कंपनी है, 68,000 करोड़ का मार्केट कैप है। और कंपनी का अगर हम देखेंगे तो ये एक डेट फ्री कंपनी है, सबसे बड़ी बात है डेट फ्री कंपनी है। और कंपनी का अगर ऑल टाइम हाई देखेंगे 7,465 है, अभी जो करेंटली 5,285 पे चल रहा है। इतना बड़ा सा करेक्शन क्यों हुआ है, उसके पीछे का रीजन भी देखेंगे, और यहाँ पे हमें आगे के लिए क्या करना चाहिए वो चीज़ भी डिटेल में समझेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, अभी अगर देखते हैं यहाँ पे प्रमोटर का होल्डिंग भी 38% का प्रमोटर का होल्डिंग है। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे सेल्स देखिए, सेल्स तो बढ़िया सा सेल्स है, जो कि 364 करोड़ का सेल्स है। अगर अगर कंपेयर करेंगे हम सितंबर का क्वार्टर में, यहाँ पे 364 करोड़ का सेल्स है, जो कि सेल्स में बढ़िया सा इंप्रूवमेंट नज़र आ रहा है। अगर हम यहाँ पे नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो नेट प्रॉफिट भी बढ़िया सा नेट प्रॉफिट नज़र आ रहा है, तो इसी हिसाब से कंपनी तो बढ़िया सा ग्रोथ हो रहा है। अगर हम बैलेंस शीट की बात करेंगे, बैलेंस शीट में तो एक बढ़िया सा बढ़िया बैलेंस शीट है। तो ठीक है, अगर हम यहाँ पे आके प्रमोटर का होल्डिंग देखेंगे तो यहाँ पे 38% का प्रमोटर के पास में होल्डिंग है, और यहाँ पे FII के पास में 37% का होल्डिंग है, यहाँ पे DII के पास में 13% का होल्डिंग है, और पब्लिक के पास में 10% का होल्डिंग है। लेकिन यहाँ पे जो FII के पास में है, बढ़िया एक होल्डिंग FII के पास में है। और जहाँ पे हम बात करते हैं यहाँ पे पब्लिक के पास में, एक्चुअल 10% होल्डिंग है ही नहीं, क्योंकि ये रिटेलर नहीं है, ये भी एक तरह का प्रमोटर है, क्योंकि 1% से ज़्यादा इनके स्टेक है। तो यहाँ पे 2.4% है, यहाँ पे 1.87% है, तो अगर ऐसे हम कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पे 6% निकल जाएगा। तो 6% निकल जाता है तो यहाँ पे ओनली 4% हमारा रिटेल इन्वेस्टर के पास में इस स्टॉक का क्वांटिटी है। तो अगर हम यहाँ पे जाके आज के दिन का कारोबार भी देखेंगे तो यहाँ पे देखिए आज का दिन का अगर कारोबार देखते हैं यहाँ पे ये स्टॉक में 36% का डिलीवरी उठाया गया, जो कि 1,54,000 क्वांटिटी यहाँ पे ट्रेडिंग हुआ है, 56,000 क्वांटिटी यहाँ पे डिलीवरी उठाया गया, जो कि बढ़िया सा एक डिलीवरी भी देखा जाएगा, क्योंकि 36% इतना तो बढ़िया नहीं बोल पाएंगे, लेकिन फिर भी ठीक है, ठीक ठाक एक डिलीवरी उठाया गया है। अगर हम देखते हैं यहाँ पे आज के दिन में स्टॉक में भी तेजी रहा है, जो कि 1.92% का स्टॉक में है, आज पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिला है, जो कि 99 रुपीज़ के पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिला है। आज निफ्टी भी बढ़िया सा परफॉर्म किया है, जो कि 1.1% का तेजी निफ्टी में भी दिखाया है। अगर इसी हिसाब से चार्ट पैटर्न में जाएंगे फ्रेंड्स, कुछ चीज़ नज़र आ रहा है, उस चीज़ आपको मैं जरूर बताने के लिए कोशिश करूंगा। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए कितना परसेंटेज का स्टॉक में करेक्शन आ चुका है, पहले हम एक बार देख लेंगे। यहाँ पे देखिए स्टॉक में अभी जो ट्रेडिंग हो रहा है ना, अभी हिसाब से 30% का करेक्शन पे स्टॉक मिल रहा है। ठीक है, तो इतना बड़ा सा करेक्शन क्यों हुआ, उसके पीछे का रीज़न क्या है। और दूसरा चीज़ अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे देखिए RSI कौन सा लेवल पे चल रहा है, 34 पे RSI चल रहा है, जो कि एक बढ़िया सा RSI लेवल, तो एक बढ़िया सा लेवल पे RSI भी अभी अवेलेबल है। लेकिन फ्रेंड्स, मैं हमेशा मैं बोलता हूँ कि कभी ना कभी एक लार्ज कैप स्टॉक है, जब 200 मूविंग एवरेज के पास में आ जाता है, उस टाइम पर हमें ज़्यादा कुछ सोचना नहीं होता है, उस टाइम पर स्टॉक को बाय करना ही है हमेशा। अगर आप सेफली अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, सेफली अगर स्विंग ट्रेड करना चाहते हैं, ये जो सारे पैरामीटर है ना, अगर आप बैक टेस्ट कर लेंगे तो आपको बढ़िया सा एक चीज़ आपको पता चल जाएगा। ठीक है, और कैसे हम मूविंग एवरेज हम रीड करते हैं, और यहाँ पे कैसे हम RSI रीड करते हैं, उसके लिए अगर आप डिस्क्रिप्शन में विजिट करेंगे ना, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट वीडियो है डिस्क्रिप्शन में सब दिया हुआ है फ्रेंड्स। ठीक है, जरूर आप विजिट कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में।
तो यहाँ पे देखिए, स्टॉक का हमेशा 200 डे मूविंग एवरेज के पास में कभी ना कभी साल में एक बार आता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 200 डे मूविंग एवरेज के पास में आया था, यहाँ पे देखिए 200 डे मूविंग एवरेज के पास में आया था कोरोना के टाइम पे, जो कि सारे स्टॉक जहाँ पे 50% करेक्शन हो चुका था, तो ये स्टॉक में कितना परसेंटेज करेक्शन हुआ था। यहाँ पे भी अगर देखेंगे 200 डे मूविंग एवरेज से भी 30% का करेक्शन हुआ था, ठीक है। यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे 200 डे मूविंग एवरेज के पास में आ चुका था। तो हर एक स्टॉक में अगर आप देखेंगे ना, तो यहाँ पे हमेशा 200 डे मूविंग एवरेज के पास में आता है, फिर उसके बाद में वहीं से सपोर्ट लेके फिर स्टार्ट हो जाता है रिवर्सल, ठीक है। अगर इसी हिसाब से आप देखेंगे, तो अगर आप यहीं से एंट्री लेते हैं, उसी स्टॉक में आपको कितना परसेंटेज का रिटर्न मिलता है स्विंग ट्रेड में, ये आप जरूर देख लीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे अपने पोजिशन बनाए, तो यहाँ पे ऑल टाइम हाई तक यहाँ पे अपने ड्रैग किए, टारगेट लेके चले स्टॉक में, 46 डेज में आपको 30% का गेन मिला, जो कि बहुत बढ़िया सा गेन है। ये सारी चीज़ें अगर हम देखेंगे ना, तो क्या अच्छा सा गेन मिल रहा है इसमें। आप देखिए, यहाँ पे आया तो यहाँ पे कोरोना हुआ, उसके बाद में स्टॉक में फॉल भी जरूर आया है, ऐसा नहीं कि फॉल नहीं आया, लेकिन उस टाइम पे हमें होल्ड करना है। मैं बताता हूँ ना, अभी आपको लास्ट में बताऊंगा कौन सा स्टॉक में ऐसा ही सिचुएशन हुआ है, और भी मैं उस स्टॉक को होल्ड भी किया हूँ। मैं आपको जरूर दिखाऊंगा, मेरा पोर्टफोलियो का एक स्टॉक है, मैं आपको जरूर बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, 30% का गेन आपको कितना दिन में मिला, 126 डेज में 31% का गेन मिला, 200 डे मूविंग एवरेज में लिया, जो कि सिंपल स्ट्रेटेजी है, ठीक है। यहाँ पे भी अगर किसने लिया, ठीक है, यहाँ पे किसने पोजीशन बनाया 200 डे मूविंग एवरेज के पास में, यहाँ पे ऑल टाइम हाई तक लेके चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, जो कि 4 मंथ्स है, 4 मंथ्स में 38% का गेन मिला फ्रेंड्स। ये भी ऐसा ही एक सेम टू सेम पैटर्न बिल्ड हो रहा है, ठीक है। आपको अभी यहीं पे अगर बाय करके चलेंगे ना, अगर यहाँ से आप माल उठा लेते हैं, यहाँ से अगर आप थोड़ा सा क्वांटिटी लेके चलते हैं, आप अपने हिसाब से रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से क्वांटिटी ले लीजिए, जो कि 5% भी ले सकते हैं, या तो जो भी आपका पोर्टफोलियो का साइज है उसी हिसाब से आप लेके चलिए, जो कि मैक्सिमम 5% का स्टेक इसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे आप पोजिशन बना रहे हैं, तो आपको देखिए आप कितना परसेंटेज गेन मिलेगा, आपको 42% का गेन मिल सकता है फ्रेंड्स, ठीक है। लेकिन फिर से वही बात है, अगर आप ऐसा बोलेंगे कि ये स्टॉक और भी तो गिर सकता है, गिरने को फ्रेंड्स गिर तो बिल्कुल सकता है, ऐसा तो बिल्कुल कोई गारंटी नहीं कि स्टॉक यहाँ से रिवर्सल स्टार्ट हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो प्रेडिक्शन है, हम पिछले कुछ महीने से यही प्रेडिक्शन लगा के चल रहे हैं कि हमेशा 200 डे मूविंग एवरेज में सपोर्ट लेता है, ठीक है। तो इसी हिसाब से मैंने आपको बताया कि यहाँ पे लेके चल सकते हैं। हाँ, अगर ऐसा बात होता है कि स्टॉक गिरता है, तो बिल्कुल गिर सकता है, ये चीज़ तो हम बिल्कुल भी डिनाई नहीं कर रहे हैं कि स्टॉक नहीं गिर सकता है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक सपोर्ट है, ठीक है। स्टॉक जो चल रहा है ना, इस सपोर्ट के ऊपर बिल्कुल चल रहा है, ठीक है, ये बिल्कुल एक सपोर्ट के ऊपर चल रहा है, ठीक है। 3 कैंडल ऑलरेडी वही सपोर्ट के ऊपर बन चुका है। अगर फिर से अगर गिरता है स्टॉक, बिल्कुल अगर मार्केट अगर बेयरिश मार्केट रहता है, अगर स्टॉक में थोड़ा सा कमजोरी आता है, स्टॉक बिल्कुल यहाँ तक आ सकता है, ऐसा बिल्कुल भी हम डिनाई नहीं करेंगे कि स्टॉक यहाँ तक नहीं आएगा, लेकिन बिल्कुल आ सकता है। लेकिन अगर आता है, तो आपको और भी एक्युमुलेट करना है, 15% का अगर गिरावट होता है तो और एक्युमुलेट करना है, क्योंकि बहुत फंटास्टिक स्टॉक है, बहुत बढ़िया स्टॉक है, आपको आने वाले दिनों में एक बढ़िया से रिटर्न दे सकता है। अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए लेना है, मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, इस लेवल पर थोड़ा सा क्वांटिटी ले लीजिए, ठीक है। स्टॉक गिरेगा कि नहीं गिरेगा किसी को नहीं पता, ठीक है, लेकिन स्टॉक यहाँ तक जाएगा ये मुझे 100% पता है। ये स्टॉक में इतना परसेंटेज गेन पोटेंशियल है, मुझे इतना तो पता है, ठीक है। अगर आप इस स्टॉक में अगर 4 मंथ्स टाइम देते हैं, जिस हिसाब से पुराना डाटा के हिसाब से हम देख रहे हैं, 4 मंथ्स टाइम देंगे, इसमें 45% का गेन आएगा। लेकिन आप अगर बोलेंगे कि स्टॉक यहाँ पे 15% गिर सकता है, लेकिन ये मुझे नहीं पता, अगर यहाँ से अगर रिवर्सल हो गया, तो आपका तो 40% तो गया, यहाँ से 45% का गेन तो आपका गया। लेकिन अगर रिवर्सल हुआ, तो आप होल्ड कीजिए, ठीक है, होल्ड करेंगे तो आपको रिटर्न मिल जाएगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो इसी स्ट्रैटेजी के साथ में आप स्टॉक में एंट्री ले सकते हैं। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए लेना चाहते हैं, तो भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बढ़िया सा रिटर्न आगे आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। कंपनी कोई भी बुरा नहीं है, अच्छा अच्छा स्टॉक कभी ना कभी 200 डे मूविंग एवरेज पे बिल्कुल सपोर्ट लेता है, इसी रेंज पे इसी हिसाब से चल रहा है, ये हमें बिल्कुल एक बढ़िया सा स्टॉक में अपॉर्चुनिटी की तरह मानना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, आपका एक लाइक मेरा मोटिवेशन बिल्ड करता है। आप हमेशा वीडियो तो देखते हैं, लेकिन काफ़ी सारा फ्रेंड्स वीडियो देखते हैं और वीडियो को लाइक भी नहीं करते हैं, और यहाँ पे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं करते हैं। फ्रेंड्स, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका एक सब्सक्राइब है और एक लाइक है, मेरा मोटिवेशन जरूर बिल्ड करता है, आपको एक अच्छा सा ट्रेड बताने के लिए, जो कि आप स्टॉक मार्केट में एक अच्छा सा गेन ले सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।